हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एल एल पार्सर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ पार्सर को जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर होता है देन फर्दर उनको हमने क्लासिफाई किया था तो आज के सेशन में हम लोग पहले एल एल पार्सल के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर ओके सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एल एल पार्सल को तो अगर हम लोग एल एल पार्सल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास दो एल है इट मीन्स दैट वी आर स्कैनिंग द इनपुट ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एल एल पार्सर का जो मतलब है हमारे पास एल एन वन तो एल का जो मतलब होता है इट इज मीन दैट वी आर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वर्ड है लाइक ए बी बी सी डी ओके सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ए वी आर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट से राइट right में जाते हैं एक एक करके तो सबसे पहले हम लोग ए को स्कैन करते हैं बी को देन बी सी डी इट मींस दैट वी आर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं छोटे और जो स्मॉल लेवल पर उन पे ये डेफिनेशन uh, आ जाती है कि वट डज दिस इज इंडिकेटिव द स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ओके एंड नेक्स्ट जो एल हमारा इंडिकेट करता है इट मींस दैट जब हम लोग पार्सल को यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ंग दोस्ट डेरिवेशन वी आर यूजिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे वर्क करता है इसको मैंने पहले आपको बताया था और वन इज इंडिकेटिंग दैट वी आर जस्ट seeing only one input at a time. दैट इज we are look अग only one input at a time दैट इज अगर हम लोग किसी भी particular input की हम लोग बात करते हैं तो एक बार में केवल हम लोग एक ही input को सी करेंगे इसको चेक करेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इनपुट पर जाएंगे डेट इज अ मीनिंग ऑफ एल एन वन पार्सर ओके तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारी हमारे पास डिस्कशन है आज का तो देखिए अब हम लोग अगर एज अ पार्सर का हम लोग डिस्कशन करें तो पार्सर का हमारे पास जनरली जो वर्किंग होती है उसके पास हमारे पास चार मोटा मोटा चीजें होती है फर्स्ट इज योर इनपुट ंग जो की अभी मैंने एक वर्ड लिखा था the, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर हमें मेमोरी चाहिए तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इनपुट बफर से जिसको हम लोग एंड करते हैं डॉलर पर तो जहां पर भी आपके पास जहां पर भी जो स्ट्रिंग होगा फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी उसका जो एंड होगा इट ऑलवेज भी एंड एट द डॉलर साइन तो डॉलर साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा इनपुट है वो वहां पे फिनिश हो गया है ओके देन नेक्स्ट इज योर एल एल पार्सर यानी और आपका जो एल्गोरिथम होता है तो अगर जनरली अगर हम लोग यहां से इसको हटा भी दें कि एल एल वन पार्सर को uh, कि कोई भी पार्सर हो तो किसी भी पार्सर के अंदर जो उसका मेन एल्गोरिथम वर्क करता है वो आपका वर्क करता है तो हम लोग यहाँ पे एल 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 पार्सर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपका एल एल पार्सल लिखा है बट जनरली हमारे पास भी एल्गोरिथम को करने के लिए पार्सर का अपना खुद का एल्गोरिथम भी होता है द नेक्स्ट इज योर पार्सिंग टेबल तो पार्सर के साथ पार्सर पार्सिंग टेबल एंड योर स्टैग इसी तरह से यहाँ पर टेबल होता है. तो टेबल जो है हाँ पे, हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग ग्रामर से फॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक गिवन ग्रामर होती है उस ग्रामर से हम लोग पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्सर ओके देन नेक्स्ट इज योर स्टैग स्टैग इज जो हमारा जो इंडिकेट करता है जो भी हम लोग पार्सर का जो प्रोसेसर है उसको फॉलो करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है इसके लिए हम लोग स्टैक यूज करते हैं तो इट इज यर दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी आर फॉलोइंग द प्रोसेसर ऑफ द पार्सर ओके और यहां पे हमारा जो इनपुट बफर है हर बार हम लोग इस स्टैक से इस इनपुट बफर को क्रॉस कंपैरिजन करते हैं और जब हमारा डॉलर साइन तो इस का जो पहला हमारा जो वेरिएबल होता है इट इज नॉट डॉलर वेरिएबल जो कि ये शो करता है कि जब ये डॉलर इस डॉलर से हम लोग मैच करते हैं इट मींस दैट वी आर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हम लोगों ने जो पार्सर को जो फॉलो किया है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो मैच कर गया है तो आखिरी में जब आप सारे इनपुट स्ट्रिंग जो आपके इनपुट है आपने एक एक करके इनपुट बफर से या जो भी आपने ऑपरेशन से स्टैक में इसको यूज किया है तो जब लास्ट में ये डॉलर बनता है और ये जो स्टैक है कंप्लीटली फिनिश हो जाता है जो ऑपरेशन होते हैं प्रोसेसर होता है तो उसका मतलब जो होता है कि वो इनपुट आपने एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब क्या है कैसे इसका यूज होता है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि हम जो है जो ये जो पार्सिंग टेबल होती है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं बाय द गिवन ग्रामर तो सबसे पहले आपके पास ग्रामर होनी जरूरी है तो उस ग्रामर से हम लोग क्या करते हैं तो आपके पास जो भी ग्रामर है वो हमारे पास होना जरूरी है तो देखिए पार्सिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखनी है मैं खास तौर से एल पार्सर की बात करूं तो हमें फर्स्ट फंक्शन और फॉलो फंक्शन को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है ओके okay? तो अब आपके पास क्या होगी एक ग्रामर होगी ग्रामर क्या होगी ये आपके क्वेश्चन में गिवेन होगा अदरवाइज मैं आपको इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल कराऊंगा डोंट वरी अगर आपको पता नहीं ओके तो आपके पास एक ग्रामर है कोई भी ग्रामर है जो इसको आपके क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका हमें फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं अभी फर्स्ट फंक्शन क्यों कैलकुलेट करते हैं क्यों करते हैं कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे क्यों करते हैं इसको मैं अभी आपको आज ही के लेक्चर में फिनिश करूंगा तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं एंड देन फॉलो कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवेन ग्रामर का और इनकी हेल्प से फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं पार्सिंग टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं क्योंकि इस पार्सिंग टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम लोग जो है अपने पार्सर का जो Uh, जो जो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है हम ये बता सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर देखिए तो पार्सिंग टेबल जो होती है वो हमारी किसी ग्रामर की होती है तो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर ग्रामर वी आर क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ द पार्सिंग टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ अवर स्ट्रिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट बाय द क्रिएटिंग पार्सर हम लोग पार्सर इन पार्सिंग टेबल और बफर से वो इंडिकेट करते कि जो भी हमारा जो इनपुट है वो उसे हम एक्सेप्ट करा रहे हैं या रिजेक्ट करा रहे हैं ओके तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जिसके अंदर मैं किसी भी एग्जांपल को आपको लेकर आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा ओके अब हमें नेक्स्ट आते हैं कि हमें फर्स्ट और फॉलो को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी ग्रामर होती है फॉर एग्जाम्पल यू हैव दैट ग्रामर आपके पास एक ग्रामर है लाइक दिस वन और इसमें फंक्शन है सी ड्राइव करके वैल्यू आती है सी ए डी और ए हमारा देता है बी सी uh, और A. okay अब हम लोग वाई डू वी कैलकुलेट द फर्स्ट पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग फर्स्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं ओके okay? अब हमारे पास एक वर्ड है एक वर्ड है या फिर कोई स्ट्रिंग है दैट इज योर सी ओके नाउ okay? हम लोग अब हमें ये पता है कि आ, हमारे पास ये स्ट्रिंग है अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि बाय द गिवन ग्रामर क्या हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ग्रामर का जो प्रोडक्शन हमें गिवन है हम उसको चेक करेंगे तो अगर हम यहां पे देखें कि आ, अगर मैं एस को लेता हूं नॉन टर्मिनल को लेता हूं तो बाय यूजिंग आई कैन ड्राइव द दर्टिकुलर प्रोटेक्शन सी ए डी ओके तो मैं ये देख सकता हूं तो अब यहां पे हमें पता पड़ेगा कि सबसे पहले अगर मैं एस को स्टार्ट करता हूं एस स्टार्ट करता हूं तो एस को स्टार्ट करने पर जो फर्स्ट जो मुझे टर्मिनल मिलेगा वो मुझे मिलेगा सी दैट इज योर फर्स्ट ओके तो फर्स्ट जो है तो अगर मैं फर्स्ट एस का फर्स्ट निकालता हूं एस का फर्स्ट निकालता हूं तो अगर मैं S से स्टार्ट करता हूं तो इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सी देन ए एंड ठीक है ये मुझे पता है अब मैंने स्टार्ट कर दिया ठीक है अब मुझे पता पड़ेगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्शन यूज करना है ये यूज नहीं करना दिक? तो दैट्स वाई वी कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ एस क्योंकि फर्स्ट ऑफ एस से हमें यह पता चल जाता है कि हम किसी भी वेरिएबल का जब फर्स्ट निकालते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हम लोग जो है हमें कौन सा टर्मिनल जो है वो मिलेगा जैसे मैंने यहां पे फर्स्ट ऑफ एस निकाला दैट इज योर सी तो अब मुझे पता गया कि एस का जो फर्स्ट है वो सी है ठीक है तो मैं एस से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को जो वर्ड चाहिए पहला वर्ड जो चाहिए मुझे वर्ड का जो फर्स्ट जो इनपुट चाहिए टर्मिनल चाहिए इट शुड बी सी एंड इट मैच इट कैन बी डन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रोडक्शन अब इसके बाद देखेंगे अगर हम लोग ए से हम लोग देखते हैं तो अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज योर ए स्मॉल ए दैट इज योर टर्मिनल ए सो इफ आई कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ए इफ आई कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ए आई कैन गॉट आई गॉट आई विल गोट बी एंड ए आई कैन गेट बी और एट मीन्स दैट कि अगर मैं यहां से ए से तो ए को अगर ए को फर्दर फर्दर ड्राइव करूं तो आई कैन गो फॉर आईदर बी और ए बट मुझे जो चाहिए वो ए चाहिए सो आई कैन गो फॉर द ए तो अब मेरा जो इनपो जो स्ट्रिंग है वो मैं यहां पर एक्सेप्ट करा सकता हूं तो इट इज दी ए डी अपना वर्ड मैच हो गया तो फर्स्ट हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे तो इस केस में सेकंड वाले केस के अंदर जब हम लोग इस A को ड्राइव कर रहे हैं इन दैट केस आई विल यूज द सेकंड प्रोडक्शन नॉट फर्स्ट वन तो फर्स्ट हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं विच प्रोडक्शन वी हैव टू यूज वेन वी आर ड्राइविंग एनी टर्मिनल फ्रॉम द नॉन टर्मिनल ओके एंड सिमिलरली इज द केस विद द फॉलो ओके अब मैं फॉलो को भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं ओके okay? तो वाई डू वी यूज अ फॉलो अब हमने देख लिया कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें यह पता चले कि, कि किस प्रोडक्शन को हमें यूज करना है ओके okay? अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से कि लाइक योर एस इज योर लाइक सी बी सी बी डी

एंड दिस इज स्मॉल सी ओके स्मॉल सी नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट जो वर्ड है CD, okay? terminal, D, तो अगर, अगर मैं बी आई हैो फॉर द ए और आई कैन गो फॉर द एप्सलॉन दैट इज योर आई जस्ट मैनिशिंग माई वेरिएबल दैट इज योर बी ओके सो इन दैट केस आई शुड नो विच टर्मिनल विच terminal will come of which alphabet will come after this b, b. so it, it means that i have to calculate the follow of b means after this variable or non terminal which alphabet or which terminal will come after this b so if i check the production or the grammar it means that if i am following this b either i can go for i can drive the a or i can just vanishing my b that is just i am using my epsilon that is your just you are vanishing your b so in that case i can write that the follow of b is just either i can go for a or dekh no, not a it's a after this after this b so after this b you will have either d either you have the d okay or either you after b which which symbol is coming डी और जस्ट अगर आप इसको यूज करते एप्सलॉन को तो जस्ट यू आर यू आर फॉलोइंग द यू आर फॉलोइंग दैट इज योर दैट इज योर डी और द फॉलो ऑफ बी इज आइदर दिस डी दिस डी और जस्ट आई एम इफ आई एम यूजिंग दिस बी इफ आई एम यूजिंग दिस बी एप्सलॉन तो इट मीन्स दैट द इस के बाद तो हमेशा ये डी आएगा हमेशा ठीक है तो ये मेरा जो है ये हमारा जो है, ये function, ये हमारा हो जाएगा, तो आफ्टर okay? so यहां पर लूंगा एप्सलॉन को तो ये जो हो जाएगा मेरा दैट इज योर सी डी ये मेरा मैच कर जाएगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई आफ्टर बी इट इज ऑलवेज बी डी दैट आई कैन चेक आफ्टर सी विच फंक्शन है, है, है. तो है उसको मैं यूज कर सकू तो इसलिए वी ऑलवेज कैल्कुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ द वेरिएबल्स डेट्स वाई बिकॉज इट हेल्प अस टू क्रिएट द इट हेल्प एस टू क्रिएट दू टेक द टेक द डिसीजन बाय द यूजिंग बाय पार्सर तो ये जो है पार्सर को बताता है कि भाई कौन सा डिसीजन उसको यूज करना है तो पहला तो हम लोग फर्स्ट इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है फॉलो हम लोग इसको यूज करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बाद में कौन सा हमारा अल्फाबेट है अगर हम इसको हम लोग वैनिश कर देंगे okay? so that's why we always okay? ये बहुत जरूरी है और भी बहुत सारे नेक्स्ट uh, लेक्चर्स में मैं आपको फर्स्ट ऑफ फॉलो को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा डोंट वरी ओके तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि एल एल पार्सल का मतलब क्या होता है एंड वाई डू वी कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो बिकॉज फर्स्ट एंड फॉलो टू क्रिएट अवर पार्सिंग टेबल वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो ओके सो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू अगेन द नेक्स्ट लेक्चर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अ चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर क्योंकि हमने आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट जो कंपाइलर डिजाइन की वो क्रिएट करना पूरा स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी हम लोग बाकी जो टॉपिक है आपके सामने उनको प्रेजेंट कर सकेंगे ओके सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने पहले के उन सेशन को नहीं देखा है उनको आप देख लीजिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी करेक्टली एंड वेरी थॉरली ओके सो आई स्टूडेंट्स आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू